सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से हमारे अपने प्यारे ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में। गाइस, मेरा नाम है पार्थ शुक्ला। मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रिव्यू और उन्हीं कॉलेज के रिलेटेड मैं कैंपस टूर्स पे कराता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं BHU के बारे में, जो कि एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और ये वाराणसी में एक एस्टेब्लिशमेंट है जो कि हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसीलिए हम इसको वीडियो को आज स्पेशल वीडियो बोल रहे हैं। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडमिशन ले सकते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, क्या NF रैंकिंग है, क्या कैंपस एरिया है, कैंपस के साथ कैंपस का माहौल क्या है, कौन कौन से कोर्सेस है, कोर्सेस के साथ क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट, सब कुछ के बारे में हम बिल्कुल डिटेल डिस्कस करेंगे। इस कॉलेज को एस्टेब्लिशमेंट करने में बहुत बड़े महान लोगों का हाथ है, इसलिए आज यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और ये यूनिवर्सिटी जो है आज़ादी से पहले एस्टेब्लिशमेंट आज़ादी के बहुत साल पहले का है, इसीलिए इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से पास आउट लोग बहुत बड़े लीडर्स हैं, राइटर्स हैं, पोएट हैं और अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने हासिल करी है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मुझे पता है कि अभी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह बहुत सारे बेनिफिट्स वीडियो अपलोड करता हूँ, कॉलेज के रिव्यू, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आपको किसी प्रकार की भी कोई अपडेट चाहिए होगा आप तक बिल्कुल आराम से पहुँच सके, इसलिए चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर यहाँ पर एडमिशन लेने के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी में हो, तो एटलीस्ट यस ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे पता चल जाएगा ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। सो हे गाइस, कैसे हैं, एक बार स्वागत है फिर से इस ब्यूटीफुल कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने जा रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इन सारे तमाम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए अरेंज करके रखी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये वीडियो सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा वायरल है और ये कुछ हमें एक HD पिक्चर देखने को मिली है। आप लोगों को आई होप ये पसंद आ रही हो। और ये ड्रोन शूट लिया गया है पूरे कैंपस का, जो कि IIT अगर BHU की बात करें तो कैंपस बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज्यादा एरिया में फैला है। ऐसे ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी बहुत ही लार्ज एरिया में फैला है, यहाँ तक कि अगर आपको किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है देन आपको टैक्सी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हर डिपार्टमेंट बहुत ही अपना एक अहम रोल अदा करता है। तो ऐसे ही आगे बढ़े अगर हम, अब बात करने जा रहे हैं हम मेन टॉपिक के बारे में यानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी 1916 में हुआ था और इसमें बहुत ही महान लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हो गए या फिर और भी बहुत मदन मोहन मालवीय जैसे बहुत ही महान अनुभवी लोगों ने अपनी यहाँ पर भूमिका निभा करके इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। तो अगर हम इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की रैंकिंग के बारे में बात करें तो की 5th रैंकिंग ओवरऑल मानी गई है, यानी जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें 5th रैंक पर ये कॉलेज आता है, जो कि एक अच्छी चीज मानी गई है। अब बात करने जा रहे हैं कैंपस एरिया के बारे में, यानी यहाँ पे कैंपस एरिया आपको कितने का देखने को मिलता है, तो 1300 प्लस एकर्स आपको कैंपस एरिया का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही लाजवाब चीज है, क्योंकि 1300 एकर कैंपस एक बहुत बड़ा एकर कैंपस होता है 1300, क्योंकि जितने भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट होते हैं वो 100-200 एकर्स के होते हैं, IITs भी 500-600 एकर्स का है, लेकिन यहाँ की बात करें 1300 एकर्स का है। और लेकिन हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग एरिया है, तो जो कि पर्टिकुलर डिसाइडेड है। टोटल स्टूडेंट्स की बात करें, ये एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, यानी यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज होंगे, तो हर कोर्सेज में पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होगा, तो यानी सारे कोर्सेज को मिलाकर, उन सारे कोर्सेज को स्टूडेंट्स को मिलाकर 30,000 स्टूडेंट्स करेंटली यहाँ पे परसुइंग कर रहे हैं। सो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया क्राउड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें कि हाउ विल यू रीच टू द BHU, यानी आप BHU कैसे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे जाने के बहुत ही रास्ते हैं, जो लोकल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी ये पॉइंट है ही नहीं, चाहे जिसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो अगर वाया एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो वाराणसी एयरपोर्ट, जिसे हम लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि नियरेस्ट है BHU से, इट वेल कनेक्टेड टू द मेजर इंडियन सिटीज एंड स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स इंडियन सिटीज से कनेक्टेड है। फ्रॉम द एयरपोर्ट यू कैन टेक अ टैक्सी और अ कैब
हार्ड टू रीच BHU, यानी आप कोई कैब कर सकते हैं या टैक्सी कर सकते हैं BHU पहुंचने के लिए। रेलवे स्टेशन से आप कैसे जा सकते हैं, वाराणसी जंक्शन नाम का एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे आप पहुंचना होगा। वहां से सिमिलरली यह सारी जगह से रेलवे स्टेशन चलता है, तो वहां पहुंचने के बाद आप कैब या टैक्सी कर सकते हैं इजिली BHU रीच करने के लिए। आई होप मैंने कनेक्टिविटी का टॉपिक कवर किया है और आपको पसंद आया हो। आप बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू टेक एडमिशन इन BHU। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप BHU में एडमिशन कैसे लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पता ही नहीं होती, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हाउ विल यू टेक एडमिशन इन BHU। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एडमिशन थ्रू CUET। पहले क्या होता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता था, पर अब ये नहीं हो रहा है। अब सारी चीजें हैं इन्होंने CUET को हैंड ओवर कर दिया है कि हमारी सारी चीजें आप ही संभालो। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, CUET के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। PhD के लिए RET का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे मैरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग होता है, चॉइस फिलिंग होती है, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन इसके बाद क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। फिलहाल आपको अगर जीरो नॉलेज है तो 10% 20% 30% 40% 50% कुछ तो आपको यहाँ पता ही चला होगा, हमारी वीडियो से कुछ तो नॉलेज मिला होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिट अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ऐसे अगर आगे बढ़े तो आप बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन की, हाउ विल यू टेक एडमिशन, ये बात कर चुके हैं। व्हाट इज एलिजिबिलिटी टू टेक एडमिशन, ये अब हम बात करेंगे। तो जो भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं और मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, तो आप अगर यूजी कोर्स करना चाहते हैं, जो मैंने यूजी कोर्स के क्राइटेरिया बताया सिमिलरली अप्लाई होगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। पीजी कोर्स की अगर आप करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिया है, तो किसी भी पीजी कोर्स के बारे में बात किया है सिमिलर एज ही होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो बीटेक की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 12th होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। आपका स्ट्रीम होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी फॉर बायोटेक्नोलॉजी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज स्कूल एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इट मे बी, ठीक है। अगर BSc के लिए बात करें तो 12th स्ट्रीम से होना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना ही चाहिए। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग करना चाहते हैं साइंस आर्ट्स या कॉमर्स होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। बी फार्मा की बात करें तो क्लास 12th 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। MBA की बात करें तो आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ विद UG प्रोग्राम का आपको होना चाहिए। ये आपकी डिग्री किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात की है। अगर ऐसे ही आगे बढ़े तो स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि अगर वहां पे, पहली बात तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी स्कॉलरशिप बहुत ही कम होती है, हॉस्टल फीस बहुत कम होती है, ट्यूशन फीस भी बहुत कम होती है। देन इसके बाद भी आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको मिल पाएगी, पहली बात तो आपको मेरिट स्कॉलरशिप कॉलेज अवेलेबल कराता ही कराता है, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, फेवरेट बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस होते हैं वो कराते हैं। उसके साथ एक रेस्पेक्टिव स्टेट स्कॉलरशिप भी आपको अप्रूव कराते हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है, जो कि बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप मानी जाती है। आप बात करने जा रहे हैं हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर बैचलर BBA करना चाहते हैं यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी फीस 3,507 रुपीज है, एंड LLB करना चाहते हैं तो उसकी 3,657 यानी 3,657 रुपीज ओनली है, जो कि कितनी मिनिमम फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। BSc करना चाहते हैं तो द फीस स्ट्रक्चर ऑफ BSc इंक्लूड वेरियस कंपोनेंट्स सच एज ट्यूशन फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी एंड मोर। द टोटल फीस इज 2,842 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एंड 325 फॉर द सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। सो मास्टर्स की अगर हम बात करें तो आपको LLM करना है BHU से तो आपकी 59,000 रुपीज आपकी फीस होने वाली है। MCA करना चाहते हैं यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, द एनुअल फीस फॉर MCA डिग्री आपकी 23,000 रुपीज होने वाली है। MSc यानी आपको MSc मास्टर्स करना चाहते हैं यानी BSc के बाद अगर आप MSc करना चाहते हैं, द फी फॉर MSc प्रोग्राम 14,500 यानी 14,500 ये आपको पे करना होगा, एंड फॉरवर्ड आपको 29,020 रुपीज फॉर सब्सिक्वेंटली सेमेस्टर आपको ये होगा पे करना होगा। तो आई होप यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर जान चुके होंगे। अगर आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे जरूर बताएं कि मुझे इसका फीस स्ट्रक्चर बताइए। अगर आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट ड्रीम या फिर यस का कमेंट मुझे जरूर करिए, मुझे पता चल जाएगा ये स्टूडेंट एटलीस्ट इंटरेस्टेड है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आगे बढ़े तो आप बात करने जा रहे हैं हॉस्टल फीस के बारे में, तो कितनी कम आपको हॉस्टल फीस देखने को मिली है, जो कि ओनली 7,500 यानी 7.5K आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है।
फेमस एल्बनाई फ्रॉम बीएचयू की बात किया, यानी जो फेमस एल्बनाई है बीएचयू की वो कौन से हैं, जैसे भूपेन हजारिका एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर लायरिस्ट एंड म्यूजिशियन है, जगविजन राम जो कि नोन पॉपुलर एज बाबूजी, ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार से थे, राम मनोहर लोहिया जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस कॉलेज को एस्टेब्लिशमेंट कराने में वो कौन थे, एन एक्टिविस्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड सोशलिस्ट पॉलिटिशियन लीडर थे, जो कि एस्टेब्लिशमेंट कराने में इसको स्टैंड करने में भी, आप सोच रहे होंगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जब नहीं हुआ तो ये इसके एल्मनाई है, एल्मनाई वो होता है जो स्कॉलर्स के पास आउट वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी जो स्टूडेंट्स वहाँ के पास आउट होते हैं उनको हम एल्मनाई कहते हैं। तो इस कॉलेज के रेवोल्यूशन लाने में, स्टैंड कराने में राम मनोहर लोहिया का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अब बात करेंगे आप फैसिलिटीज के बारे में कि अगर वहां पे आप एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, लैब्स, कंप्यूटर लैब, बीएससी लैब्स, मोर लैब्स आपको देखने को मिलेगी, योगा फैसिलिटीज, कैंटीन, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ग्रीन कैंपस, प्लेसमेंट सेल, ऐसी बहुत बेहतरीन कैंपस आपको देखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, लैब इक्विपमेंट्स, एक बहुत ही लार्ज एरिया में फैला कैंपस आपको देखने को मिलेगा, खुला एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र है कि आप कहीं भी जाके अगर आप आसपास घूम भी है ना तो आपका माइंड ऐसे ही फ्रेश हो जाएगा। अब हम इस वीडियो के एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें जो कि प्लेसमेंट का है, ये अभी 2024 चल रहा है तो 2023 के हम पिछले प्लेसमेंट की बात करेंगे, प्रीवियस प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज प्लेसमेंट 23 लाख रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन माना गया है, हाईएस्ट पैकेज 1.2 सीपीए यानी करोड़ पर एनम, ये जो करोड़ पर एनम आप देखते हैं मोस्टली इंटरनेशनल ही होता है, डोमेस्टिक नहीं होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड की बात करें 308 कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं जो कि बेहतरीन चीज मानी गई है, वैसे कंपनी की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही फेमस फेमस यहाँ पे कंपनीज आई हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। सो आई होप आप मेरी इस वीडियो ने आपके बहुत ज्यादा मदद करी हो, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करा हो, अगर मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो से आउट होने से पहले इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स आपको नोटिफाई होते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।